नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर पॉइंट। अब ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अज्यूम करो मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ। सिर्फ किस पे काम कर रहा हूँ? S1 पे। किस पे कर रहा हूँ काम मैं? S1 पे। ये मेरा S1 है, ठीक है। अब इसका एड्रेस होगा 1000। क्या होगा इसका एड्रेस? अब यहाँ पर एक पॉइंटर मुझे पॉइंट कराना है, इसका नाम है P। तो P का पॉइंट कर रहा है तो 1000। तो P किस टाइप का होगा? इंटीजर है। क्यों 1000 इंटीजर है? अगर तेरे बैग में लैपटॉप है, बुक है और डब्बा है तो तेरे और तेरा बैग घूम गया तो क्या बोलेंगे? मेरा टिफिन बॉक्स घूम गया, बुक घूम गई, लैपटॉप घूम गया, क्या बोलेंगे? बैग घूम गया। तो 1000 में क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है? तो P किस, तो S1 किस टाइप का है? अरे यूज द सेम लॉजिक नो, यूज द सेम लॉजिक। देखो इंटीजर, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये a है, इसके अंदर 10 है, इसका एड्रेस 2000 है। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंटर पॉइंट कर रहा है स्टार q, तो वो स्टार q किस टाइप का होगा? क्योंकि वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? a को। a किस टाइप का है? तो वो भी किस टाइप का होगा? क्या होगा? इंटीजर स्टार q है, क्या नहीं? यहाँ पर p के का पॉइंट कर रहा है 1000, वहां पर कौन है? S1 किस टाइप का है? स्ट्रक्ट। तो फिर किसके स्ट्रक्ट? स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर होगा स्टार पी। समझा ये? यस और नो रोबान? समझा? तो ओके, अभी मुझे अगर इस S1 से रोल नंबर, नेम और परसेंटेज एक्सेस करना है, विच ऑपरेटर डू आई यूज? S1 पॉइंट। Which variable? Which dot? Dot operator, है ना? And if I want to use the same using P, then I will use which operator? Arrow. Yes. कैसे करेंगे अपन? Dot की जगह पे क्या आएगा? तो और कौन सा लगेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओए। Yes sir. बस यही concept है structure pointer का। शो करता हूँ तुमको प्रोग्राम में, ठीक है? दिख रहा है ये? तो दिख रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये सब फंक्शन को निकाल देता हूँ। ये सिर्फ ये फंक्शन लगेगा बस, ठीक है। और वॉइड मेन को अपने ऊपर डालता हूँ जैसे पहले करते थे, जैसा, ठीक है ना? मेन ऊपर, ठीक है ना? वॉइड मेन। और अभी क्या किया, तो ये मैंने बनाया और ये बनाया एक वेरिएबल इसका। तो किस नाम का वेरिएबल हो गया ये? S1, है ना? और फिर S1 को क्या बोला मैंने? एंटर रोल नंबर फॉर स्टूडेंट, एक ही है ना, एक ही का पॉइंटर। तो कहाँ जाएगा वो, है क्या? नहीं ऐसे सिम, ऐसे ही क्या करेंगे? बाकी दो भी चीजें क्या है? नहीं, एंटर और फिर वो किसमें जाएगा? S1 डॉट नेम, नहीं, और तीसरा S1 डॉट पर, है क्या? नहीं। अब मैं किससे स्कैन कर रहा था? वेरिएबल से ना, डॉट इधर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर भी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? तो पॉइंटर भी किस टाइप का होगा? स्टार पी। अब ये पॉइंटर जो है पॉइंट करेगा इस को, कैसे करेगा? S1 है ना, एड्रेस ऑफ S1 ना, पी का पॉइंट कर रहा है S1 पे। S1 के एड्रेस के, S1 के एड्रेस, तो कैसे लिखेंगे उसको? पी इक्वल्स टू, अब मुझे इस पी को देख के, मुझे P से डिस्प्ले करना है, क्या करना है? सिंगल कोट। अब मुझे डिस्प्ले करते हुए डिस्प्ले करना है S से, P से। देखो मैं दोनों से करता हूँ डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले यूजिंग ऑब्जेक्ट, डिस्प्ले यूजिंग
ऑब्जेक्ट, तो अगर मुझे डिस्प्ले करना है S1 से, किसे डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे S1 से डिस्प्ले करना, कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज परसेंटेज डी S1 डॉट रोल नंबर, है क्या नहीं। अगर मुझे डिस्प्ले किसे करना होता, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, किससे, कौन सा ऑपरेटर, ये डॉट है, परसेंट ऑफ स्टूडेंट इज, ओके है क्या नहीं, ठीक है ना। अब ये मुझे डिस्प्ले करना है यूजिंग पॉइंटर, किसे डिस्प्ले करना है, तो अभी बोलो अभी कैसे करेंगे, डिस्प्ले यूजिंग, यूजिंग व्हाट, पॉइंटर, डिस्प्ले यूजिंग पॉइंटर, तो अभी ठीक है, ये स्लैश एन करता, क्या करता मैं इधर, लेकिन न्यू लाइन पे आए, डिस्प्ले यूजिंग पॉइंटर स्लैश, अब बोलो किसे, पी से करिए ना, तो पी डॉट क्या, पी डॉट एरो, समझ रहा है, यस सर, बस हो गया, क्या बोल रहा है ये, परसेंट ऑफ स्टूडेंट इज, क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज परसेंटेज एफ, एंड ऑफ स्टेटमेंट, कुछ मिसिंग आएगा सेमीकोलन, क्या हो गया, ओके मैंने मेन क्लोज नहीं किया, क्या नहीं किया क्लोज, ठीक है, आ गया, तो बोलो 18 विराट 98.9 है क्या नहीं। डिस्प्ले यूजिंग ऑब्जेक्ट क्या आया, आया क्या नहीं, और डिस्प्ले यूजिंग पॉइंटर क्या आया, सेम आया क्या नहीं, तो उस डेटा को आप दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है स्ट्रक्चर पॉइंटर, क्या ये स्ट्रक्चर पॉइंटर, अभी ये मुझे मेमोरी कैसे मिली, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, क्या ये, अब मुझे डीएमए से लेना है ऑब्जेक्ट, क्या लेना है, मतलब ये है, ये S1 को मैंने कब डिक्लेयर किया था, स्टैटिक, क्या हो गया ये, तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो, क्या हो गया, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, कि इसको मेमोरी स्टैटिकली मिल गई, क्या मिल गई, बट मुझे इसको स्टैटिक नहीं देना, डायनामिक देना है, क्या देना है, क्या देना है, स्टैटिक पहले मिल जाती कंपाइल टाइम, तो अब देखो, अब मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्या मैं, तो मेरे पास एक पॉइंटर है P, जो किस जो कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ P पॉइंट करेगा उधर क्या रहेगा, क्या रहेगा उधर स्टूडेंट, क्या रहेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रहेगा, P का टाइप क्या है, यानी जहाँ P पॉइंट करेगा उधर एक स्टूडेंट टाइप करेगा, ठीक है, ये बोल दिया। अब उन लेंगे मैलॉक से मेमोरी, क्या बोलेंगे कि मैलॉक मेरे को मेमोरी दो, कितनी मेमोरी चाहिए, देखो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए कितने बाइट चाहिए, बोलो, सात, वेरी गुड, कितना, हाँ सोबान, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, टू स्टोर 101 एलिस एंड 78.5, मुझे कितना चाहिए मेमोरी चाहिए, इंटीजर के लिए 20, एक स्टूडेंट के लिए बाइन, एक स्टूडेंट के लिए इंटीजर के लिए एक, दो एक चार सात, दो एक चार सात, दो एक चार सात, दो एक चार सात, अरे भाई वो एक कैरेक्टर का 10 कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर का एक 10 कैरेक्टर कितने, 10, तो 10 दो चार कितने, 16 ना,
अरे नॉनसेंस, इसके लिए दो बाइट, एक कैरेक्टर एक बाइट का, दस कैरेक्टर दस बाइट के, और एक फ्लोट चार बाइट का, कितने हो गए टोटल? चार बाइट का। तो मैं क्या बोलूं मैं, लॉक को मुझे कितने बाइट्स दे? 16 बाइट्स। अब मुझे मालूम नहीं कैलकुलेशन क्या है, तो क्या बोलूंगा? साइज ऑफ क्या दे? साइज ऑफ स्टूडेंट। तो उसमें क्या स्टोर करेगा तू, 16 बाइट्स में क्या स्टोर करेगा? एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ना, क्या स्टोर करेगा उसमें? तो ये कॉपी किया और क्या डाल दिया? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब उसको कौन पॉइंट करेगा? पी। बस हो गया, समझ रहा है? अब नाउ एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कैसे करेगा फिर? एंड है ना? यस सर। और फिर क्या समझ में आ रहा है कि नहीं सोबान? अब ये देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, तो देने की जरूरत नहीं। और डिस्प्ले करते वक्त अच्छा डिस्प्ले कर देगा वो इसकी। ओके डिस्प्ले विद ऑब्जेक्ट है नहीं अपने, अपने ऑब्जेक्ट है नहीं अपने पास, फिर डिस्प्ले विद क्या आएगा अभी, समझा? तो नाउ लेट्स रन। ओके क्या बोल रहा है ये, डू यू मीन पी? ओके पी है क्या अपने पास? ओके पी वन कर देते, क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, पी वन कर देते क्योंकि सब जगह पी वन है ना। ओके यहाँ पी है, अभी क्या कर देते, ठीक है ये बोल रहा था आ गया। चला एंटर रोल नंबर स्टूडेंट 99, ठीक है कोहली 89.7 एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैलॉक से पॉइंटर बनाएंगे और मैलॉक को क्या बोलेंगे हमको कितनी मेमोरी चाहिए, और उतने अपन फिर कर सकते। समझ रहा है, समझ रहा? ये डीएमए से किया, ये डीएमए से किया। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर पॉइंटर। अभी अपने को करना था 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड? 5 स्टूडेंट। तो किसे करेंगे? इनटू इनटू 5 ना, साइज ऑफ वन स्टूडेंट इनटू 5, यानी कितने हो गया 320 बाइट मिलेंगे, कितने मिलेंगे? नहीं 80 बाइट, कितने मिलेंगे? 80 बाइट मिलेंगे, 80 बाइट मिल गया ना इससे अपने को, कितने मिल गए? 80 बाइट। अब उसको अपन ने क्या करे, कितने का हिस्से बाटी कर दिए, 16 16 के हिस्सा कर दिए, क्या कर दिया अपन ने उसके 80 बाइट में, क्या स्टोर करने वाले अपन? स्टूडेंट। तो उसमें कितने के हिस्से बन गए फिर, 16 16 के कितने बन गए? 5। तो अभी फिर फॉर लूप लगा के कर दो, फिर फॉर लूप लगा के आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, अभी इंटीजर आई डिक्लेयर करो इधर, ठीक है? और अभी क्या करो, डिस्प्ले के लिए भी लगाएंगे पाई इक्वल टू 0, और क्या करेंगे इधर पी ऑफ प्लस आई, क्या है ना, पी ऑफ 1 का 0, पी ऑफ 1 का 1 है क्या, नहीं तो पहले किस में एक्सेस करेंगे, पी ऑफ 1 का 0, फिर पी ऑफ 1 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और डिस्प्ले करते हो भी अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिस्प्ले करते हो, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये डिस्प्ले पॉइंटर छोड़ दो अभी, समझ में आ गया अपने को। तो क्या करने का इधर है क्या, नहीं तो ये फॉर लूप खत्म मिल, ठीक है? 5 ज्यादा है तो हम 3 कर लेते, क्या कर लेते हैं, इतना एंटर कौन करेगा? क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, क्या हो गया, क्या बोल रहा है ये? ओके अपन ने वो नहीं करे ना पॉइंटर, मैलॉक के लिए फंक्शन क्या था, लिप क्या था
इंक्लूड टेस्टेड लिप। तो पहले क्या बोल रहा है? अभी क्या बोल रहा है? इनवैलिड आर्गुमेंट। ओके, अभी ये चूंकि पॉइंटर से आ गया है ना, तो अपने को एंड वाला कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, क्या बोल रहा है ये? वैलिड टाइप आर्गुमेंट एरो डैश सिंगल माइनस आएगा, डबल माइनस p प्लस p1 ऑफ i करना पड़ेगा। कैसा? ये पूरा i यूनिट है ना, अभी ये पूरा i यूनिट है ना, अभी ये पूरा पूरा i यूनिट हो गया है, डायनामिक हो गया। क्या हो गया अभी? पूरा क्या हो गया? डायनामिक हो आ गया। चलो, वेरी गुड, आ गया क्या? नहीं आ गया। 1111 बाप रे, एंटर रोल नंबर 111 के लिए बाहर निकल रहा हूँ। क्यों ऐसा रे? परसेंटेज डी एंड पी वन प्लस आई हर रोल नंबर पी वन ऑफ आई हर नेम ऐसा कर रहा भाई। साइज ऑफ स्ट्रक स्टूडेंट 2 3। हाँ उत्तम मिला। ओके, ये अपने को था वैल्यू दिखा था ना, इधर वैल्यू है क्या? नहीं वैल्यू एट डिस्प्ले करते क्या दिखा दिया? डिस्प्ले करते हो वैल्यू वैल्यू। हाँ, और इसमें एक काम करेंगे, इसको पीच रखेंगे, पी वन रखेंगे और पी वन को वहाँ इंक्रीमेंट करेंगे। इसको पी वन ही रखेंगे और इधर ना पी वन को भी इंक्रीमेंट करना है। करने का पी वन प्लस प्लस ये भी करने का, इसको भी यहाँ पर से पी वन ही रखेंगे। क्या बोल रहा है ये? हाँ, इसको देखते हैं बाद में। स्टार आएगा क्या सर?